Good evening, good evening, good evening to everyone. कैसे आप सभी भाई जल्दी से लाइव आ जाएंगे जुड़ेंगे शिल्पी मैम के साथ एस एस सी वाला के साथ पीडब्ल्यू के साथ सभी आ जाएंगे कैसे हैं आप लोग एस uh, वाला पे आप सभी का वेलकम है जल्दी जल्दी आ जाएं और जुड़े जैसा कि आप सभी जानते हैं आज आपका थोड़ा सा टॉपिक अलग है है ना पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे उसके बाद में पोल है पोल के थ्रू हम क्या करेंगे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं तो पहले अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे कि जो ट्विंस हैं ट्विंस कैसे होते हैं या क्या होते हैं आपने कई बार सुना होगा आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में सारा आज हम समझने वाले हैं फटाक से आप सभी लाइव आ जाएंगे उसके बाद में हम क्लास को शुरू करेंगे जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आएंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी गुड इवनिंग सौरभ डॉली लवली निर्भय काव्या अभिषेक अदिति संजय मुकुल चलिए सभी बच्चे आ गए हैं ओके फटाक से एक सेकंड का टाइम हम लाइव आएंगे सभी तो हम अपनी क्लास शुरू करेंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू निर्भय तान्या संजय गुड इवनिंग वैष्णवी गुड इवनिंग आरू गुड इवनिंग चलिए अंशिका गुड इवनिंग बच्चे कैसे हैं तो देखो कल हमारा जो है टेलीग्राम पे लाइव सेशन भी हुआ था और कल शाम को नौ बजे हुआ था तो बहुत सारे अंशिका को देख के मुझे याद आया अंशिका भी लाइव आए थे तो बहुत सारे बच्चे वहां पर लाइव आए थे और हमने उनसे वीडियो कॉल पे बात की थी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं जो हम क्लियर करते हैं और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट नहीं होते डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैम हमारे घर में भी काम होता है ठीक है हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो सभी चीजों को लेकर हम वहां पर डिस्कस करते हैं और अगर हमारा नेक्स्ट

तो आज हम देखेंगे बच्चों कि ट्विंस कैसे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं आपने एक मूवी मूवी भी देखी होगी है ना एक मूवी देखी होगी जुड़वा ठीक है जुड़वा मूवी में ये अगर हम बात करें थोड़ा सा कहाँ गया मूवी एक थी हाँ ये ये मूवी है ठीक है जुड़वा मूवी है ये आप सबने देखा भी होगा शायद बहुत सारे बच्चों ने तो देखो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि कोई एक दो ये दोनों भाई क्या होते हैं जुड़वा होते हैं ट्विंस होते हैं ठीक है तो क्या ऐसा है कि अगर इसे मार पड़ेगी तो इसे चोट लगेगी और इसे मार पड़ेगी तो इसे चोट लगेगी अगर आप मेरे में ऐसा भी होता है कि एक को पीटो दूसरे को चोट लगती है ठीक है एक को भूख लगेगी तो दूसरे को लग जाएगी है ना एक को थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरे को चोट लगेगी ऐसा क्या होता है तो आज सब कुछ देखेंगे कि क्या सच में ट्विंस में ये सारी चीजें होती है है ना आज ये सारी बातें हम देखेंगे कि जो ये मूवी में दिखाया गया है ये सारी बातें सच है या बस आप लोग को पागल बनाया गया है है ना सारी बातें आज हम देखेंगे ट्विंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ट्विंस होते कैसे हैं ठीक है आइडेंटिकल ट्विंस क्या है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या है तो एक बात मुझे बताओ अगर मैं इन, इनको आपके सामने रख दू तो बताओ ये आइडेंटिकल ट्विंस है या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है जितनी भी आपके पास जानकारी है नॉलेज है उसके बेसिस पे बताओ कि ये जो यहाँ पर दो भाई हैं ये आपके आ, जो है आइडेंटिकल ट्विंस है या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है है ना अभी शायद आप में से कुछ बच्चे नहीं बता पाए ठीक है लेकिन अभी मैं जब इस क्लास को खत्म करूंगी उसके बाद अगर मैं ये फोटो आपके सामने रखूं तो आप बता देंगे ठीक है कि यस मैम ये आइडेंटिकल हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है चलो हम शुरू करते हैं किसके बारे में ट्विंस के बारे में समझना सबसे पहले हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं उसके बाद में हम आगे आएंगे देखो बच्चों ये क्या है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या होता है यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दो क्या होती है ओवरी होती है जिसे अंडाशय कहा जाता है अंडाशय ठीक है फीमेल में क्या होती है दो ओवरी होती है यानी दो अंडाशय होते हैं एक इधर और एक इधर दो ये अंडाशय है ठीक है क्या काम होता है देखो बच्चे जब किसी भी लड़की का जन्म होता है ठीक है जब किसी भी बेबी गर्ल का क्या होता है जन्म होता है तो जब बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में हजारों की संख्याओं में हजारों की संख्याओं में क्या मौजूद होते हैं हजारों की संख्याओं में क्या मौजूद होते हैं अंडे मौजूद होते हैं एक्स ठीक है तो इसमें जो है ओवरी में क्या होते हैं एक्स होते हैं बच्चों यानी क्या होते हैं यहाँ पर अंडाणु होते हैं ठीक है अंडाणु ओके उसके बाद में ये जो आपको एक ट्यूब दिख रही है ट्यूब इसी ट्यूब के माध्यम से ये एक निकलकर बाहर आते हैं और इस ट्यूब को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब हिंदी में इसे अंडवाहिनी या जो है डिम्ब वाहिनी कहा जाता है हिंदी में इसे इंग्लिश में इसे हम

उस टाइम क्या होता सभी बच्चों के बहुत मजे होते हैं है ना उसके बाद में बच्चों उसके बाद में आपका सर्विक्स वाला एरिया है और फिर इधर जो है ये वेजाइना यानी योनी वाला पार्ट है ये जो है क्या है ये मैं आपको यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ क्या ये आपके सामने मैंने रखा है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ देखो कि कैसे भी किसी बच्चे का जन्म होता है मैंने कहा कि जब कोई बेबी गर्ल पैदा होती है तो हजारों की संख्याओं में में उसके यूट्रस में क्या होते है? एग होते हैं हैं एग ठीक है अंडे होते हैं कब जब कोई बेबी गर्ल का जन्म होता है जैसे, जैसे जैसे जो लड़की है ठीक है जैसे जैसे जो लड़की है बच्चों वो अपने प्यूबर्टी एज के तरफ जाती है तो जब वो नौ से तेरह साल की उम्र में होती है ठीक है तो इस टाइम क्या होता है पहली बार उसका क्या होता है कोई एक एग निकलकर यहां फिलोपियन ट्यूब में आता है फर्स्ट टाइम जिसे क्या कहा जाता है जिसे आपका क्या कहा जाता है जब फर्स्ट टाइम लड़की को क्या होता है उसको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फर्स्ट टाइम ठीक है तो उसे आपका क्या कहा जाता है मेनारके कहा जाता है फर्स्ट टाइम जब आप किसी लड़की को क्या होता है पीरियड्स होते हैं तो तो एक अंडा यहां से निकलकर आता है कहां पर यहां पर

फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन यानी निशेचन हो गया और निशेचन होने के बाद में क्या हो जाता है बच्चों जाइगॉड बन जाता है क्या बन जाता है जाइगॉड बन जाता है युग्मनज बन जाता है और यही जाइगॉड आगे जाकर क्या होता है यही जाइगॉड आगे जाकर एक बच्चा बनाता है एक बेबी बनाता है मैं अगर आपको दिखाऊं तो आ, इस वाली फोटो में देखेंगे सबसे पहले

100 मिलियन स्पम्स दौड़ लगाते हैं ठीक है एक बार में इस तरीके से 100 मिलियन स्पम्स क्या करते हैं दौड़ लगाते हैं रनिंग करते हैं और इसमें अंडे के पास मान लो यहां पर एग है ठीक है यहाँ पे मान लो एग है है ना यहाँ पे मान लो क्या है यहां पे मान लो एग है तो इस एग को कौन सा स्पम फर्टाइल करेगा इस एग को कौन सा फर्टाइल करेगा जो सबसे तेज रेस लगा के ये वाला कभी फर्टाइल नहीं कर सकता क्यों क्योंकि ये वाला बहुत पीछे है ये वाला इस एग को क्या करेगा फर्टाइल कर देगा क्यों क्योंकि ये वाला स्पम्प तेज भाग गया तो जो इस सबसे तेज भागता है वही क्या करता है वही एग को फर्टाइल कर पाता है हाँ, बिल्कुल अब देखो बच्चों इधर आओ अब देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक एग है ठीक है ये क्या है ये एक एग्सल है ठीक है अंडाणु है ये और इस अंडाणु को अगर आप ध्यान से देखो फर्टाइल करने के लिए क्या आप काउंट कर सकते हैं कितने स्पंप यहां से छोड़े गए हैं एक अंडे को फर्टाइल करना होता है एक अंडे को फर्टाइल करने के लिए 100 मिलियन स्पम्स आते हैं लगभग 100 मिलियन स्पम्प आते हैं 100 मिलियन स्पम्प आते हैं और एक अंडे को फर्टाइल करते हैं ठीक है अब इनमें से किस, -किस जीत ये वाला जो स्पम्प है ये सबसे क्या है ये सबसे ज्यादा तेज है ठीक है हालांकि देखो बहुत जरूरी होता है अब कहोगे मैम इतने सारे स्प क्या होते हैं एक मान लो फर्टाइल कर देता है बाकी स्पम्प क्या होते हैं बच्चों सभी स्पम्प नहीं जा पाते सभी स्पम्प यहां तक नहीं पहुंच पाते जो आ, किसी भी लड़की की वेजाइना होती है

क्षेत्र में जब पहुंचते हैं आपके स्पम्प तो क्या होते हैं एसिड से, एसी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो ऐसे जो स्पम्प क्या होते हैं खा पीकर बहुत जो है एनर्जेटिक होते हैं बहुत तंदुरुस्त होते हैं वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं वो यहाँ पर अगर अंडा है तो यहां तक ये यह पहुंच पाएगा ठीक है अब अगर इन एनी केस मैम यहाँ पर एग आ गया बहुत ध्यान से सुनना मैम यहाँ पर एग आ गया था ठीक है अब क्या हुआ अब किसी भी केस में मान लो स्प नहीं आए है ना एग आ गया था अंडा आ गया था अंडा यहां पर आके फिलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा था अब मान लो क्या हुआ ऐसा हुआ कि जो है नहीं नहीं आए नहीं आए शुक्राणु अब क्या क्या होगा होगा है ना अब क्या होगा? अब अगर हम बात करें क्या होगा यहां देखो यहां पे इस वाली फोटो से सब कुछ क्लियर है एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस ठीक है अगर आप देखिए सबसे पहले देखो क्या दिखाया गया है हम शुरू से अगर इसे करें शुरू से करेंगे इस बार हम ठीक है शुरू से करेंगे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना हाँ यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अंडे हैं ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं जो ओवरी है ओवरी में बहुत सारे अंडे हैं ठीक है यहां से एक अंडा निकलेगा ऐसे ऐसे यहां जाके रुक जाएगा अंडा बहुत ध्यान से सुनना अब जब यहाँ अंडा रुक गया ठीक है तो ये इंतजार कर रहा है किसका इंतजार कर रहा है ये स्पम का इंतजार कर रहा है अब ये जो क्या है ये जो यूट्रस है ना बच्चों यूट्रस बहुत तेज है बहुत अब नेचर ने जो एक फीमेल बॉडी है ना बहुत अच्छी बनाई है ये जो यूट्रस है गर्भाशय है इस गर्भाशय को अब तुरंत पता चल जाता है हर महीने ये गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये मसल्स गर्भाशय ने अपने ऊपर लगाए हैं चिपकाए हैं किस लिए चिपकाए हैं अपने आप को बना रहा है जो गर्भाशय है ठीक है, है।, है कि जब यहाँ पर एग है एग यहाँ पर स्पंप का इंतजार कर रहा है मान लो अगर स्पम्प आ गए और ये एग फर्टाइल हो गया तो क्या बन जाएगा जयगॉट बन जाएगा और जायगोट किसके पास आएगा जयगॉट मेरे पास आएगा तो मैं अपनी दीवारों को मजबूत बना लूं मैं यूट्रस की दीवारों को मजबूत बना लूं ताकि मैं इस जो जाइगोट आया है उसे संभाल कर रख पाऊं तो हर महीने क्या होता है हर महीने बॉडी क्या करती है एक फीमेल बॉडी अपने आप को स्ट्रांग बनाती है अब अगर अब अगर मान लो क्या हुआ मैम अंडा तो यहां इंतजार कर रहा था ठीक है एग तो यहां पर इंतजार कर रहा था लेकिन स्प नहीं आए ठीक है क्या हुआ शुक्राणु नहीं आए अब क्या होगा अब देखो यहां पे देखो एग यहां आके इंतजार कर रहा नहीं आए एग यहां से गिर जाएगा और जब एग गिरेगा बच्चों तो इस दीवार को भी अपने साथ साथ ले जाएगा इस दीवार को भी अपने साथ साथ ले जाएगा और ब्लड के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा यही होता है कि जब लड़कियों को मासिक धर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उनको उनके शरीर से ब्लीडिंग होती है क्यों यही जो दीवार बनी थी यूट्रस की जो दीवार बनी थी यही दीवार टूट टूट कर गिरती है इसीलिए जो पीरियड्स में लड़कियों को बहुत पेन भी होता है पेन का रीज़न यही है कि जो मसल्स हैं ठीक है, है, है यह तीन मसल से जो यूट्रस की दीवारें होती हैं ठीक है ये तीन मसल से बनी होती हैं थ्री लेयर होती हैं यहाँ पर ये यह तीनों लेयर क्या होती हैं टूट टूट कर गिरती हैं और इसी कारण जब ये लेयर टूटती हैं तभी जो है पीरियड्स में बहुत पेन होता है आगे बात समझ में क्लियर है तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया किसका कि जो है अगर बेबी होगा और अगर बेबी नहीं हो रहा दोनों में ये चीजें होती हैं अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है देखो दोनों ही केसेस में क्या होता है बच्चों दोनों ही केसेस में स्पम्स और क्या करते हैं अंडे को फर्टाइल करते हैं अब जो यहां पर क्या होते हैं जो यहां पर आ, अगर हम बात करें ट्विंस होते हैं दो तरीके के होते हैं ट्विंस आपके दो तरीके के होते हैं कौन कौन से होते हैं देखो ये भी ये भी ट्विंस है ठीक है

यहां जिन दो बच्चों में प्यार होगा हम यहां पे उनका नाम लिख देंगे चलिए ठीक है क्या है स्टेप सीखो है ना कुछ ऐसा ऐसा सा है कुछ स्टेप चलिए तो अगर हम बा... अच्छा आ, अनु कह रहे मैम नॉन आइडेंटिकल वहीं पर संजय कह रहे मैम आइडेंटिकल है ठीक है चलिए ठीक है मेरी <laughs> मेरी मम्मी और मेरी मासी है देखते है चलिए ठीक आइए आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है हम देखते हैं देखो बच्चों दो तरीके के यहाँ पर ट्विंस होते हैं फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल एंड सेकेंड वन इज नॉन आइडेंटिकल हमें देखना है कि कौन से आइडेंटिकल होते हैं ठीक है और कौन से नॉन आइडेंटिकल दो तरीके के ट्वींस अपने पास पाए जाते हैं एक होते हैं आइडेंटिकल ठीक है एक क्या होते हैं आइडेंटिकल एंड दूसरे आपके होते हैं नॉन आइडेंटिकल ठीक है नॉन आइडेंटिकल है ना अब आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल कैसे होते हैं ध्यान से समझना है आपको ठीक है आपको ये चीज ध्यान से यहां पर समझना है देखो जैसे मान लो एक स्पम है ठीक है बहुत ध्यान से समझना है. ये एग है एक एग है ठीक है एक एग है इस एग को फर्टाइल करने के लिए ठीक है इस एग को फर्टाइल करने के लिए कोई स्पर्म्स आया ठीक है इस एग को फर्टाइल करने के लिए कोई स्पर्म आया क्या करने के लिए इस एग को फर्टाइल करने के लिए ये जाके क्या करेगा इस एग में चला जाएगा ठीक है इस एग में चला जाएगा जब ये स्पर्म इस एग में पहुंच गया ठीक है जब ये स्पर्म क्या हुआ जब ये स्पर्म इस एग में पहुंच गया अब इसे क्या कर दिया इसने इसे फर्टाइल कर दिया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है फर्टिलाइजेशन हो गया अब ये जाइगोड बन गया अब देखो एक अब मैंने कहा एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है बहुत ध्यान से समझना बच्चों ये जो स्पर्म है ना इसने क्या बना दिया इसने जाइगोड बना दिया ठीक है जाइगोड अब ये जो जाइगोड है ये जो जाइगोड है ना अभी तक ये रिसर्च नहीं आई है कि ऐसा क्यों होता है लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि जो जाइगोट है ये अपने आप को ऐसे डिवाइड कर लेगा लेगाट अपने आप को ऐसे डिवाइड कर लेगा ऐसे डिवाइड कर लेगा बहुत ध्यान से समझना ठीक है उसके बाद में क्या होगा इधर एक बेबी और इधर दूसरा बेबी ठीक है मैंने क्या कहा कि जो अब आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रही हूं मैं मैं आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रही हूं जब आइडेंटिकल

क्या हुआ एक को स्पम ने क्या किया स्पम ने निषेचित किया फर्टाइल किया जब इसे फर्टाइल किया तो जाइगोट ने क्या किया बच्चों अपने आप को डिवाइड करके दो दो पक्षों में अपने आप को डिवाइड किया ठीक है दो पक्षों में अपने आप को डिवाइड किया एक साइड एक बेबी दूसरे साइड दू, दूसरा बेबी लेकिन 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 आपको अगर पता हो यहां पे होती है एक प्लेसेंटा ठीक है प्लेसेंटा एक जो है प्लेसेंटा होती है प्लेसेंटा क्या करती है प्लेसेंटा बच्चों को न्यूट्रिशन देती है ठीक है बच्चों को क्या देती है न्यूट्रिशन देती है पोषण देती है आप सभी जानते हैं कि क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भाशय में है तो बाहर तो माँ क्या करती है चम्मच से खाना खिलाती है ना जल्दी से खा लो है ना चंदा मामा आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब बहाने बना बना के बच्चे को खिलाती है ना तुम्हारा खाना कोई और खा जाएगा नहीं तो मैं तुम्हारे टीचर से शिकायत कर दूंगी बहुत सारे बहाने बना के मम्मी अपने बच्चे को खाना खिलाती है वहां पे मम्मी खाना नहीं खिलाती वहां पे कौन खिलाता है वहां पे जो प्लेसेंटा है यही बच्चों का पालन पोषण करता है ठीक है यही बच्चों का पालन पोषण करता है तो बच्चों जब भी इस नोट

इडेंटिकल बेबी की पहचान क्या है आइडेंटिकल बेबी की पहचान ये है बच्चों कि जो आइडेंटिकल बेबी होते हैं उनकी पहचान ये है मैं आपको अगर बताऊं तो उनकी पहचान यहाँ पर आपको याद रखना है क्या है आइडेंटिकल की पहचान क्या है 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 पर लिखा हुआ प्लेसेंटा सेम होती है, ठीक है प्लेसेंटा क्या है सेम है समान है एक ही प्लेसेंटा दोनों में है ठीक है जैसे मैंने बताया एक बेबी इधर एक बेबी ये इधर और प्लेसेंटा दोनों में एक ही से गया है ठीक है तो प्लेसेंटा क्या होता है सेम होता है जब भी आइडेंटिकल बेबी होंगे प्लेसेंटा सेम होगा सेम जेंडर होगा सेम जेंडर का मतलब क्या है समान लिंग होगा लिंग क्या होगा समान होगा लिंग उनका क्या होगा जेंडर क्या होगा समान होगा कहने का मतलब एक बेबी गर्ल है तो दूसरी बेबी गर्ल होगी एक बेबी बॉय है तो दूसरा बेबी बॉय है ठीक है तो बेबी जो है हमेशा उनका लिंग क्या होगा सेम होगा अगर लड़की लड़की है तो लड़की लड़की लड़का लड़का है तो लड़का लड़का तो जो आपके क्लास में ऐसी आती होंगी रिंकी पिंकी गीता सीता चिंकी मिंकी है ना तो वो क्या है वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं ठीक है, आइडेंटिकल में हमेशा हमेशा बच्चों जेंडर क्या होता है जेंडर सेम होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है जो आइडेंटिकल ट्विंस है क्या उनके ब्लड ग्रुप सेम होते हैं यस yes, बच्चे उनके ब्लड ग्रुप भी सेम होते हैं ठीक है आइडेंटिकल ट्विंस में ब्लड ग्रुप भी सेम होते हैं ओके है? okay, चलिए <laughs> है ना तो हमेशा याद रखना कि ब्लड ग्रुप भी सेम होते हैं ओके अच्छा लेकिन फिंगर प्रिंट डिफरेंट होता है भाई हमेशा याद रखना ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल ट्विंस ने एक ने दूसरे को मार दिया तो दूसरे को पकड़ कर ले आएंगे ऐसा नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है फिंगर प्रिंट अलग होते हैं ताकि जब दया को कुछ निकालना हो क्राइम ब्रांच में ठीक है जो दया ही तो है उसे अगर सबूत खोजने हो तो फिंगरप्रिंट से सबूत खोज ले ये आपको याद रखना है ठीक है कि आइडेंटिकल ट्विंस में ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन फिंगरप्रिंट बच्चों कभी किसी का सेम नहीं होता है इसीलिए जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं हमेशा फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं क्योंकि सभी के फिंगरप्रिंट अलग-अलग होते हैं ठीक है सभी के फिंगरप्रिंट अलग-अलग होते हैं तो ये तो बात थी एक आइडेंटिकल ट्विंस की ये तो बात थी एक आइडेंटिकल ट्विंस की अब मैं आपको बताती हूं <laughs> रिया मैम की बच्ची बड़ी तू भी होगी अरे रुक जाओ भाई ऐसे लड़ाई मत करो रिया मैम की चमची शिल्पी मैम की चमची ऐसे लड़ाई मत करो है ना आइए अब हम बात करते हैं ठीक है फिंगरप्रिंट हाँ, डिफरेंट होगा अब हम बात करते हैं बच्चे अब हम बात करते हैं कि मैम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं non -identical twins क्या होते हैं? चलो ये वाली कंडीशन में आपको बताती हूं कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस वाले कंडीशन में क्या होता है ठीक है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस वाले कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ देखो मैं ये जो है जो रिसर्च की गई है ऐसा देखा गया है कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये ज़्यादातर 30 से 35 साल की जो महिलाएं हैं ये जब प्रेग्नेंट होती हैं ना तब उनको क्या होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं 30 से 35 साल की जो महिलाएं हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनको ज़्यादातर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं अब देखो मैम कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ देखो जब कोई लड़की पैदा होती है तो क्या होता है उसके ओबरी में ऐसे हजारों की संख्याओं में अंडे मौजूद होते हैं बहुत सारे अंडे दोनों ओबरी में मौजूद होते हैं ठीक है अब जब वो क्या होती है प्यवर्टी एज के साइड जाती है तो किसी मंथ इस वाले ओबरी से किसी मंथ इस वाले ओबरी से यहां पर एक अंडा आ जाता है और हमेशा वो क्या करता है स्पम का इंतजार करता है अब जो लेडी 30 से 35 साल की हो जाती है बच्चों होता क्या है कि कई बार एक अंडा की जगह एक एग की जगह उसके दो एग क्या हो जाते हैं, दो एग मेर हो जाते हैं और दोनों की पैंतीस नॉन आइडेंटिकल टूं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं रीजन क्या होता है रीजन यही होता है कि हर मंथ वैसे तो एक एग ही बाहर आता है लेकिन कई बार देखा जाता है कि दो एग क्योंकि एज ज्यादा हो जाती है दो एग मेच्योर होके एक साथ दो एक बाहर आ जाते हैं एक साथ मेचोर होके दो एक बाहर आ जाते हैं अब क्या होगा अब देखो अब दो एक आके ऐसे पड़े हुए हैं बच्चों ठीक है दो एक आके ऐसे पड़े हुए हैं अब, है? है? है। अब, अब मैंने कहा एक स्प नहीं आता स्पम्स तो मिलियन में आते हैं दूसरा स्पम आएगा दूसरा स्पम्प इस इसको फर्टाइल कर देगा अब ये जो मैं बता रही हूं ये मैं बता रही हूं नॉन आइडेंटिकल के बारे में नॉन आइडेंटिकल के बारे में ठीक है नॉन आइडेंटिकल के बारे में अब इसमें क्या होगा बच्चों इसमें कुछ ऐसा होगा कि जो यहां से यहां से जो बेबी बनेगा इसका जायगाट अलग बनेगा ध्यान से सुनना इसका जायगाट अलग बनेगा और यहां से जो बेबी बनेगा इसका जायगाट अलग बनेगा ठीक है इसका जो जाइगॉट है वो क्या बनेगा अलग बनेगा अब इसका जो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं ये अपना एक फॉलो करेगा और ये अपना एक फॉलो करेगा इसकी प्लेसेंटा अलग होगी इसकी प्लेसेंटा दूसरी होगी ये बात याद रखना और ये अपनी एक नई प्लेसेंटा बनाएगा तो इस कंडीशन में जब बेबी होता है ठीक है तो इस कंडीशन में बेबी जब होता है तो प्लेसेंटा अलग अलग होती है अब देखो आइडेंटिकल में क्या था एक अंडा था एक स्प था ने ही अपने आप को डिवाइड कर लिया था नॉन आइडेंटिकल में क्या है दो अंडे हैं दो स्प आए हैं और दो ने दो अंडे को फर्टाइल किया है और दो जाइ बन गए हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों इसमें इसमें याद रखना है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा इसमें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे ठीक है लिखा हुआ है प्लेसेंटा डिफरेंट होता है नॉन आइडेंटिकल में क्या है प्लेसेंटा अलग अलग होगी ठीक है मान लो एक बेबी यहां पर है इसकी प्लेसेंटा यहां पर दूसरा बेबी यहां पर रहा तो दूसरे की प्लेसेंटा यहां पर ठीक है जेंडर डिफरेंट होता है ऐसा देखा गया है कि 99% जब नॉन आइडेंटिकल बेबी होते हैं तो अगर एक बेबी क्या है बॉय है तो दूसरा बेबी क्या हमेशा रहेगी दूसरी बेबी गर्ल रहेगी ऐसा देखा गया है कि जब भी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो जो इनका क्या होता है जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है एक लड़का है तो एक लड़की होगी एक लड़की है तो एक लड़का होगा एक कई बार लड़की लड़की भी हो सकता है और कई बार लड़के लड़की भी हो सकता है बच्चा ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है ब्लड ग्रुप तो अलग अलग हो सकता है ठीक है ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है ऐसा नहीं है इसका ए पॉजिटिव है तो इसका भी ए पॉजिटिव रहेगा इसका ए पॉजिटिव है तो इसका कुछ अलग भी हो सकता है तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया है ट्विंस के बारे में और और क्या है आपका नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल वो होते हैं बच्चों जो सेम दिखते हैं हैं मिंकी पिंकी टिंकी है ना सीता गीता चिंटू पिंटू ये क्या होते आइडेंटिकल होते हैं नॉन आइडेंटिकल ऐसे होते हैं जो बस एक साथ पैदा होते हैं इससे ज्यादा इनका कोई लेना देना नहीं एक लड़की है तो एक लड़का हो सकता है उनका फेस बिल्कुल अलग होगा ठीक है उनका जेंडर अलग होगा आप देख एक गोरा एक काला भी हो सकता है आप देख नहीं कह सकते कि यह आइडेंटिकल है ठीक है लेकिन जो क्या होते हैं जो आइडेंटिकल टू

आइडेंटिकल है ठीक है क्यों है आइडेंटिकल क्योंकि देखो एक प्लेसेंटा से ही दोनों का काम चल रहा है दोनों बेबी का काम सिंगल प्लेसेंटा से चल रहा है ठीक है सिंगल प्लेसेंटा से चल रहा है और ये वाला देखो ये ये देखो इन दोनों की दुनिया अलग-अलग है दोनों रहे एक घर में रहे हैं इसने अपनी अलग प्लेसेंटा बना रखी है ठीक है और देखो इसकी प्लेसेंटा यहाँ पर है दोनों का प्लेसेंटा अलग-अलग है तो जब दोनों का प्लेसेंटा अलग-अलग है दोनों का काम अलग-अलग है बस एक घर में रह रहे ये अलग है ये अलग है ये देखो थोड़ा सा काला लग रहा है है ना और ये वाला बेबी थोड़ा सा गोरा है ठीक है डन मामला तो नॉन आइडेंटिकल में बेबी अलग अलग होते हैं आइडेंटिकल में बेबी सेम होते हैं आइडेंटिकल में बेबी सेम होते हैं अब अगर मैं आपके सामने ये बताओ ये आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है हां जी ये ये, ये यहाँ पर जो है चिंकी मिंकी जा रही है ठीक है एक यहां पर जो है क्या है अनु है और दूसरी यहां पर कौन है निकिता है ठीक है एक अनु और निकिता दोनों जा जारे बताओ भाई ये आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल जल्दी से बताएंगे आइडेंटिकल लग रहे हैं नॉन आइडेंटिकल है ये जेंडर सेम है दोनों लग भी सेम रही हैं, तो जल्दी से जल्दी जल्दी ठीक है डन आइडेंटिकल बिल्कुल आइडेंटिकल है आइडेंटिकल है आइडेंटिकल है बिल्कुल है ना जेंडर सेम है दिखने में सेम है तो ये क्या है आइडेंटिकल है रियली डन चलो ये निकता और अनु है ठीक है दोनों जा रहे हैं और पता है कहां जा रहे हैं? कन्यानी जिमाते हैं उसमें जा रहे हैं दोनों ठीक है अभी इनको जो है खाना भी खिलाया जाएगा चुन्नी भी उड़ाएंगे और इनको जो है पैसे भी दिए जाएंगे खाना खाने के बाद है ना <laughs> सही अब अगर बात करते हैं ये बताओ ये कौन कौन है भाई अगर हम बात करें

अब हम आपके सामने चलिए अब हम आपके सामने पोल और क्वेश्चंस दोनों लगाते हैं अटेम्प्ट करें क्वेश्चन देखो कौन सा बच्चा क्वेश्चन को कर पा रहा और कौन सा बच्चा क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कल या परसों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था तो अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन पूछा था डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय दूध का घनत्व किससे मेजर किया जाता है लेक्रोमीटर हाइड्रोमीटर बैरोमीटर हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर किससे मेजर किया जाता है दूध की डेंसिटी को दूध की जो है घनत्व को किससे मेजर करते हैं जल्दी से बताइए दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है यह भी बताएं दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है यह भी बताएं जल्दी से ठीक है दूध में शुगर पाई जाती है लैक्टोज

आपका ऑप्शन सही जा सकता है ऑप्शन अगर हम बात करें यहां पर आपका सही क्या जाएगा यहां पर आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम शो रिजल्ट कर देंगे और हम खेल जाएंगे यहां पर बहुत शानदार तरीके से जीत हुई हमारी 94% बच्चों ने सही आंसर किया कितना ज्यादा है याकना है ना 94 परसेंट बच्चों ने बहुत सही किया है है ना कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसमें से इसमें तो तीन बच्चे पास हो जाएंगे आराम से है ना तीन बच्चे पास हो सकते हैं इसमें 94 परसेंट है बहुत अच्छा जिसमें देखो भाई जिसमें अगर हम बात करें सौरभ गुप्ता आ गए हैं यहाँ पर फर्स्ट ठीक है देखिए है ना जो है सौरभ गुप्ता इस बार भी यहाँ पर फर्स्ट आ गए हैं ओके उसके बाद में कौन है डॉली कुमारी है डॉली कुमारी है फिर अभिषेक कुमार है ये तीन बच्चे यहाँ पर फर्स्ट आ गए हैं कोई बात नहीं अभी जो है सौरभ का नेट बहुत शानदार चल रहा है धीरे धीरे सौरभ का नेट थोड़ा सा डाउन कर जाएगा <laughs> उसके बाद में प्रिया रंजन है आदित्य राजपूत है वैष्णवी है संजय है रवि है राज है अंशिका और प्रज्ञा ऑलराउंडर अनुनिशा लिट्टी चोखा कबीर अग्रवाल अनुझा निर्भय सभी बच्चे यहाँ पर है बहुत अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से ठीक है आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मेक्स अप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड बताइए भाई सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्या होती है आपके प्लांट की प्लांट सेल होती है प्लांट सेल की किस है किस बता दो ठीक है सेलुलो से लेको से माल्टोज से ठीक है प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है चलिए बताइए जल्दी से, 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 से. प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है जल्दी जल्दी बताइए क्या ऑप्शन आ सकता है है ना एलगी एलगी का अगर हम बात करें या पहले आप फंगी का लिख लीजिए फंगी की सेलवॉल बनी होती है किसकी पैक्टीन ठीक है पैक्टीन की बनी होती है वही एलगी की शैवाल ठीक है एलगी हाँ, एलगी की वॉल किससे बनी होती है आपका सेल्यूलोज सेल्यूलोज और प्लस आपका क्या हो जाएगा सेल्यूलोज प्लस आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है आपके एलगी की शैवाल है ना यहां पर पूछा गया है प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट सेल वॉल पूछा गया है प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है यह आपको बताना था ठीक है चलिए देखते हैं बी ऑप्शन सही जाएगा सेलुलोज की बनी होती है भाई ठीक है की बनी होती है यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ है कि वो एक तरीके का क्या है वो एक तरीके का तो आपका बी ऑप्शन में बी ऑप्शन नाइनटी परसेंट उस बार से भी अच्छा आंकड़ा आ गया है नाइन्टी उस बार हमारा जो आंकड़ा था क्या था नाइनटी था इस बार हम नाइन फाइव परसेंट में पहुंच गए हैं बहुत शानदार जानदार बहुत अच्छा सौरभ गुप्ता इस बार भी पहले नंबर पे आते आते हुए ठीक है तो इनका कुछ करो है ना कुछ करो कुछ करो है ना इनका कुछ करो और साक्षी हमारी दूसरे नंबर पर है और अभिषेक सिंह यहाँ पर तीसरे नंबर पर है बहुत अच्छा तीनों बच्चों के लिए तालियां भाई लेकिन हम जाते जाते ये भी देख के जाएंगे कि टॉप टेन बच्चे कौन से हैं है ना हमने तो एक नई खोज की है कि हम टॉप टेन बच्चों को भी देख सकते हैं तो जाते जाते हम टॉप टेन बच्चों को भी देख के जाएंगे राज अतिथि डॉली कुमारी आरू वैष्णवी लवली अविनाश संजय ये सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ खेल रहे हैं बराबर आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आप अटैक करने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन है पेप्सिन इन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन द पेप्सिन बताओ भाई पेप्सिन कहाँ निकलता है है ना ट्रिक बता रखा है कि पेप्सिन को याद करना है लीवर माउथ किडनी स्टमक पेप्सिन के बारे में बताइए कुछ नया नहीं है पेप्सिन इज अ एंजाइम व्हिच हेल्प इन डाइजेशन

इस बार भी सौरभ गुप्ता भी क्या पहले नंबर पर आएंगे ठीक है देखते हैं ये आप सभी बच्चों ने सौरभ गुप्ता को हरा दिया है ठीक है देखते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा बच्चों मैंने आपको कहा था कि पी से पेट और पी से पेप्सिन है ना तो कहा जाएगा आपका पेट डी स्टमक वाला आंसर यहाँ पे सही जाएगा डी ऑप्शन करेंगे शो रिजल्ट करेंगे 69 बच्चों ने सही किया है लगभग सत्तर और यहाँ पर जो है सूरज ने बाजी मार ली है सूरज के लिए क्लैपिंग हो जाएगा है ना सूरज ने जो है कहीं ना कहीं सौरभ को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है और पहले नंबर पर अपने बहुत बढ़िया वाईफाई के साथ आ गए हैं कौन है आ, सूरज जी ठीक है फर्स्ट पर और सेकेंड पर यहाँ पर सौरभ है और थर्ड पर यहां पे अनु निषाद बहुत अच्छा लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है है ना लाइन में लड़कियां लगी हुई है कभी लड़कियां फर्स्ट पे आ रही कभी सेकंड पे कभी थर्ड पे बहुत अच्छा अनु उसके बाद में आदित्य राजपूत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले नंबर पर आ जाए और कबीर है आरू है अविनाश है अभिषेक पूजा ललित और अगर हम बात करें सुनीता मुकुल माधुरी है ना बहुत सारे बच्चे हैं जो है सही आंसर यहाँ पर कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं आंसर कितने सारे बच्चे आंसर कर रहे फिफ्टी एट बच्चों के क्या हो रहे हैं यहाँ पर पोल कनेक्ट किए जा रहे हैं ठीक है कनेक्ट किए जा रहे हैं चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन आर मेड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है सत्रह तेरह पंद्रह बीस कितने अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बना होता है मैंने कहा था बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक आपका प्रोटीन बनता है अभी आपसे पूछा जा रहा है कितने अमीनो एसिड मिलकर अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ऐसे अमीनो एसिड मिलते हैं अमीनो अमीनो एसिड ठीक है एक अमीनो एसिड फिर ऐसे दूसरा अमीनो एसिड फिर ऐसे तीसरा अमीनो एसिड फिर ऐसे चौथा अमीनो एसिड ठीक है ये ऐसे अमीनो एसिड सारे जुड़े होते हैं तब जाकर क्या बनता है तब जाकर बच्चों एक प्रोटीन बनता है एक प्रोटीन बनता है एक क्वेश्चन यहां से याद रखना पूछा जाता है जो एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से आपके सभी एमिनो एसिड जुड़े होते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो है कितने एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं क्या आप बता सकते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा 20 अमीनो एसिड मिलकर याद रखेगा 20 अमीनो मिलकर, से 11 क्या होते होते हैं, मतलब आपके बॉडी में बन जाते हैं ग्यारह आपके बॉडी में बन जाते हैं नौ आपको बाहर से खाने पड़ते हैं ऑप्शन डी सही जाएगा हम शो रिजल्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए शो रिजल्ट करते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर देखते हैं कि इस बार किस बच्चे ने बाजी मारी है 81 परसेंट बहुत अच्छा आंकड़ा है ठीक है 81 परसेंट बहुत 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 अच्छा आंकड़ा है और अगर हम बात करें सौरभ गुप्ता ने फिर से अपनी जगह ले ली है और दूसरे नंबर सौरभ बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हम सौरभ गुप्ता को पीछे छोड़ दें और वैष्णवी तीसरे नंबर पर है लड़कियां जैसे कि पीछे नहीं हट रही हैं और बहुत अच्छा आंसर लग रहा है आप सभी का और बहुत एनर्जी और बहुत एनर्जेटिक आंसर आप कर रहे हैं बहुत सही आंसर है ठीक है ठाकुर जी तीसरे नंबर पर है डॉली कुमारी हमारे जो है पांचवें नंबर पर है चौथे पे ठाकुर जी है साक्षी सिक्स अभिषेक पूजा है ना पूजा ने अपना नाम कितने प्यार से रखा है माधुरी संजय दुखी आत्मा संजय को मैंने कहा था कि दुखी को छोड़कर सुखी आत्मा कर लो है ना संजय से सुखी आत्मा करो चलो जल्दी से साकेत सिंह अभिषेक कुमार अभिनाश सिंह ठीक है सभी बच्चे यहां पर आंसर कर रहे हैं ठीक है चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे है ना मैम मेरा नेम नहीं आया अगर साक्षी आप आंसर कर रहे हो तो टॉप टेन बच्चों में आपका नाम आ जाएगा आप आंसर करते रहो टॉप टेन बच्चों में आपका नाम आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है बताइए क्वेश्चन है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है अगेन टू मच अ गुड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग अमीबा वायरस बैक्टीरिया पढ़ाया हुआ है पढ़ाया हुआ है कौन है कि जो एक लिविंग बॉडी में भी देखने को मिल सकता है और एक नॉन लिविंग बॉडी में भी देखने को मिल सकता है जब वो क्या होता है, एक हॉश सेल में जाता है एक पोषित कोशिका में जाता है तो वो लिविंग है और बाहर पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है अमीबा है वायरस है बैक्टीरिया है या आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या आंसर आपको लग रहा है क्या ठीक हो सकता है डी सही है क्या डी के साथ जा रहे हैं या बी के साथ जा रहे हैं बी के साथ भी जा रहे हैं और निर्भय पटेल डी के साथ है मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं ठीक है लिट्टी चोखा बी है योगी राज बी है ठीक है ओके बी ऑप्शन के साथ भी खेल रहे यहां धुआं पारी चल रही है चलिए देखते हैं तो यहाँ पर आपका सही सही आंसर अगर मैं बता दू ठीक है

एक क्या नाम लिखा है इनको गिनेटो पता नहीं क्या है निकिता शर्मा है अनुष्का है ठीक है और फिर अंशी है सभी बच्चे आ गए हैं सौरभ जी आपका नाम इस बार नहीं आया है बच्चों ने आपको पीछे छोड़ दिया मैंने कहा था कि टाइम होने दो थोड़े 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 टाइम के बाद क्या हो जाएगा सौरभ का नेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा लूज पड़ जाएगा है ना चलिए तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना कि जो वायरस है वायरस क्या होता है वायरस कनेक्टिंग लिंक है वायरस क्या है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता क्या है कि जैसे कोविड वायरस था इस पूरे रूम की अगर हम बात कर ले तो वायरस बच्चों जब तक बाहर पड़ा है टेबल पे पड़ा है है ना इधर पड़ा है कहीं भी पड़ा है तो वो क्या है नॉन लिविंग है लेकिन जैसे ही मैं वायरस को टच करूंगी और मेरे अंदर वायरस आ जाएगा वायरस क्या हो जाएगा लिविंग हो जाएगा तो वायरस नॉन लिविंग भी है और वायरस लिविंग भी है वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी ठीक है ये भी याद रखिएगा आइए मैंने दिया था पहले पोल नहीं लिया चलिए सौरभ कह रहे हैं मैम मैंने आंसर पहले दिया था पोल ने नहीं लिया क्यों भाई पोल आपके साथ धोखा नहीं कर सकता है ना चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा ऐसा है जो एक क्या है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट अ विटामिन ऐसा कौन सा है एसिड जिसे हम विटामिन नहीं कहेंगे कौन सा एसिड है बच्चों जिसे हम विटामिन नहीं कहेंगे बताएं जरा स्टार्ट पोल कर दिया है

देखकर देखकर आंसर देना ऐसे नहीं नो 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 बहुत अच्छा यस ओके नेवर अगेन अच्छा जी देखते हैं तो बच्चा देखो फॉलिक एसिड हम किसे कहते हैं फॉलिक एसिड की अगर मैं बात करूं फॉलिक एसिड हम कहते हैं विटामिन बी नाइन को ठीक है विटामिन बी नाइन को और ये ये जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी प्रेग्नेंट लेडी को ठीक है किसी प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है इसकी कमी से होता है मैग्लो ब्लास्टिक मैगलो मैग्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक याद रखिएगा ब्लास्टिक जब किसी औरत में वो प्रेग्नेंट होती है उसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है एसिड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ एम्ब्रियो उसके पेट में जो भून है जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है तो कभी भी अगर प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है तो देखते हैं क्या उसमें फॉलिक एसिड यानी विटामिन ठीक ठाक मात्रा में है पेंथोनिक एसिड की बात करें तो विटामिन बी फाइव विटामिन बी फाइव को पेंटोथनिक एसिड कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कौन नहीं जाता है विटामिन सी विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में पाया जाता है उसे विटामिन सी कहते हैं ओलिक एसिड आपका कोई विटामिन नहीं बच्चों बी ऑप्शन के साथ खेल जाएंगे मैं देखूंगी कि बी ऑप्शन के साथ कौन कौन सा बच्चा खेल के गया है बी ऑप्शन के साथ कौन कौन से बच्चे जाना जाने की कोशिश कर रहे थे तो एट्टी बहुत सही 83% बच्चों ने सही आंसर किया है ठीक <coughs> है ना तो <laughs> भेड़ चाल अच्छा सौरभ जी इस बार आपका पोल ने आपकी सुन ली है ठीक है और आपको ले आया फर्स्ट पे संजय दुखी आत्मा आ गए हैं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर गर्ल्स जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ कि लड़कियां पीछे नहीं हो रही है तीसरे नंबर पे आ गई सुनीता और फिर अनु है फिर जो है पवन है अभिषेक है तो कल की क्लास में जब हमने टॉप टेन बच्चों को देखा था तो लड़कियां ही जीत के गई थी हो सकता है आज की भी टॉप ते, टेन बच्चों में लड़कियों का ही नाम आ जाए आज के भी टॉप टेन बच्चों में लड़कियों का नाम आ जाए ऐसा भी हो सकता है है ना आइए अगला आपके सामने है मिर्ची में तीखापन किसके कारण है हाँ जी जो मिर्ची लगती है है ना तो फूलियाँ जारा मिर्ची क्यों लगती है चलो बताओ क्यों लगती है क्या है लाइकोपिन कैप्ससिन या कैरोटीन या आपका एंथोसाइनिन किसके कारण आपको मिर्ची लगती है भाई हाँ जी जल्दी जल्दी बी बी ऑप्शन बी के साथ खेल रहे हैं बी ऑप्शन बी 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 ओके हाँ जी बी ठीक है बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बी के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं हम्म ठीक है तो हां जी बिल्कुल कैप्सिसिन यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा ठीक है बी ऑप्शन के साथ मैं शो रिजल्ट कर दूंगी बिना टाइम खराब किए एटी सेवन परसेंट ठीक है एट्टी सेवन परसेंट एक बात बताओ जब नॉलेज फाइट होती है तो तुम 50 परसेंट से ऊपर नहीं जाते है ना और जब अकेले में आंसर करना होता है तो तुम 87 से नीचे नहीं जाते क्या दिक्कत है हाँ क्या रीजन है मुझे यही लगता है कि जब नॉलेज फाइट होती है तो बहुत सारे बच्चे साइंस के गलत आंसर कर रहे होते हैं है जो करंट अफेयर वाले होते हैं वो साइंस के गलत आंसर कर रहे होते है. मुझे ऐसा लगता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपका सौरभ गुप्ता फिर से आ गए हैं एक नंबर पर और लड़कियां जो है फिर से पूजा और अदिति दोनों लड़कियों ने यहां पर अपना मामला बना लिया है और संजय है साक्षी है पवन है अनु है विदुषी अविनाश सूरज ठीक है सूरज आपका आया है ना है ना चलिए <laughs> पड़ोसी के तरक्की पर मिर्ची लगती है दूसरे <laughs> अच्छा मैंने कहा मिर्ची क्यों लगती है तो कह रहे हैं मैम पड़ोसी की तरक्की पर मिर्ची लगती है ठीक है बहुत सही है ना तो ऐसा करो ना कि तुम भी अपनी तरक्की करो ताकि पड़ोसी को भी मिर्ची लगे अपनी तरक्की करना शुरू कर दो चलिए भाई ये हो गया था ना ये भी हो गया अगला क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन दूध प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा पचता है स्टार्ट पोल करते हैं बताओ भाई बच्चों में कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है पेप्सिन रेनिन ट्रिप्सिन या आपका इरेप्सिन कौन सा एंजाइम है जो बच्चों में सबसे ज्यादा मिलेगा वो दूध को पचाने के काम में आता है दूध को पचाने में जल्दी से चलिए आ, कह रहे हैं है मैम जब सौरभ एक नंबर पर आते हैं तो मिर्ची लगती है ऐसा है क्या <laughs> ऐसा है क्या सौरभ एक पर आते हैं तो मिर्ची लगती है तो ऐसा कुछ करो ना कि सौरभ को मिर्ची लगे <laughs> तुम ऐसा कुछ करो कि तुम पहले नंबर पर आ जाओ चलिए भाई बहुत अच्छा आयुषी लगातार लगे हुए हैं प्रीति पवन तान्या लिट्टी चोखा पहले अपना नाम चेंज करो लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा दो दिन से लिट्टी चोखा लगा रखा है अब मुझे लगता है मुझे आज जाके खाना ही पड़ेगा मेरा ऐसे मन हो रहा खाने का चलो तो आज जो है शाम को जाते टाइम देखते हैं कहीं लिट्टी चोखा लगेगा तो हम वहां से लेंगे ठीक है चलिए तो यहां पर सही आंसर क्या है ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी शो रिजल्ट ठीक है ऑप्शन बी शो रिजल्ट कर दिया है 86 परसेंट ठीक है मामला अस्सी प्रतिशत से ऊपर ही है मामला अस्सी प्रतिशत से ऊपर ही है अगर हम बात करें तो साक्षी बहुत अच्छा बहुत अच्छा तीनों लड़कियों ने बाजी मार ली है एक भी लड़के को इस बार नहीं आने दिया है ठीक है एक भी लड़के को यहां जो है जो, 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 जो मुकाबले में नहीं आने दिया है अनु माधुरी अभिषेक पवन सुनीता पूजा अविनाश रविंद्र और अगर बात करें लवली और सौरभ गुप्ता ग्यारहवें नंबर पर है सोनम बारहवें पर हिमांशु संजय आरू ठाकुर ठीक है और रीना रानी और सूरज ठीक डन है मामला <coughs> अरे क्या हो गया भाई चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कोशिका भाई सौ प्रतिशत आंसर आना चाहिए सौ प्रतिशत में मान के जल्दी इनमें से कौन सी कोशिका इंसुलिन का श्राव करती है कौन सी कोशिका है जो इंसुलिन निकालती है जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ कौन सी कोशिका है जो इंसुलिन निकालती है सौ प्रतिशत आ, आ जाएगा आंसर जल्दी से चलिए बहुत ठीक 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 है बहुत थीक, बहुत गुड लवली लिट्टी चोखा चलिए 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 लग रहा है जीत जाएंगे इस बार भी इस बार भी हम जीत कर जाएंगे घर है ना क्या है 100 प्रतिशत मान लिया जाए 100 प्रतिशत एक भी मुझे लग रहा है एक भी आंसर गलत नहीं आया है डी ऑप्शन सही चला जाएगा बीटा सेल श्योर आंसर हम करेंगे श्योर रिजल्ट 92 टू परसेंट नाइनटी परसेंट भाई 92 परसेंट बच्चों ने सही आंसर किया है है ना तो सौरभ गुप्ता फिर से आते एक नंबर पर दिखते हुए और अनु साक्षी संजय आरू ठाकुर अविनाश राजपूत ठीक है Uh, एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम टॉप टेन बच्चे देखने वाले हैं एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम टॉप टेन बच्चे देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन है अरे भाई इसमें सौ प्रतिशत इसमें। इसमें किसे हम शोल्जर सेल कहते हैं सैनिक कोशिका किसे कहा जाता है रेड ब्लड इस बेसोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल्स किसे हम अपने जो है शरीर की सैनिक कोशिका कहते हैं किसे कहते हैं जल्दी जल्दी चलिए 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 जल्दी 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 मेरा तो नेम ही नहीं आ रहा आएगा नेम आपका टॉप टेन में आ जाएगा टॉप टेन में टॉप टेन में आ जाएगा आपका नाम बहुत सही सौ प्रतिशत इस बार हमें उम्मीद है हंड्रेड परसेंट बच्चे सही आंसर देंगे इस बार उम्मीद करके बैठे हैं हंड्रेड परसेंट आंसर सही आने वाला है व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स डी ऑप्शन के साथ खेल जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स डी ऑप्शन के साथ खेल जाते हैं शो sure रिजल्ट कर रहे हैं डी ऑप्शन well well 94%, 94 थोड़ी देर का टाइम और देते तो हमारा क्या हो जाता हमारा भी आ जाता ठीक है अब देखो यहां पर अगर देखें तो लड़की है रीता रानी जिन्होंने जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर सेकेंड में आंसर किया है बहुत स्पीड के साथ आंसर किया है विवेक शर्मा यूपीएससी वाला ठीक है और अंकित मिश्रा और अगर हम बात करें पवन कुमार सतीश और सौरभ गुप्ता सिक्स नंबर पे आए आदित्य डिजिटल वर्ड संजय पूजा अविनाश साक्षी अदिति सुनीता डॉली कुमारी सूरज अनुजा अनु निषाद माधुरी रविंद्र निकिता शर्मा अजय आदित्य वैष्णवी लिट्टी लि, चोखा साकेत ठीक है सभी बच्चे आए हुए हैं अभी टॉप टेन में देखेंगे कौन कौन है तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर क्लास फॉर योर टू डे क्लास ठीक है तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आज से पूछा जा रहा है उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है व्हाट डू बी कॉल द रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड जिस क्रिया में हीट एमिट होगी जिस रिएक्शन में हीट क्या होगी निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे जल्दी से <coughs> जल्दी से ओके okay. ठीक है टाइम टाइम खत्म टाइम खत्म खतम डन 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 खत्म टाइम चलो 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 सभी <coughs> बस इतना ही टाइम था खत्म टाइम भाई आज जाइए देखते हैं तो यहां पे सही आंसर जो जाने वाला है वो आपका हो जाएगा जिसमें हीट निकलती है वो आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन सही जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें सेवेंटी सेवन परसेंट सौरभ गुप्ता इस बार भी एक नंबर पर आ गए हैं पवन दूसरे पर है और पूजा यहां पर तीसरे पे है संजय दुखी आत्मा साक्षी ये सब बच्चे पीछे है ठीक है उसके बाद में ये जो है आपका क्या है दिस इज द दिस इज योर होमवर्क ये आपका होमवर्क है इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मैं देखती हूँ सौरभ है और बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में बताते हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नहीं आंसर नहीं करते हैं तो जो है सभी के आंसर में चेक करती हूँ कॉमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है ठीक है अब जो है आ, यहां पर एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा टॉप टेन देखने के लिए ठीक है चलो इसी क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाक से इसी क्वेश्चन का आंसर कर दो टॉप टेन देखने के लिए क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर करिए टॉप टेन देखने के लिए आंसर करना पड़ेगा जल्दी से आंसर करें जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का फटाक फटाक आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी वन बी 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 ओके 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 चलो ठीक है तो यहां पे सही आंसर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है डी ऑप्शन के साथ खेलेंगे डी ऑप्शन के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है एम जी एच का होल्डस एम अंशिका स्नेली प्रिया ठीक है पंचदेव सौरभ गुप्ता इन सभी बच्चों का सही है डी ऑप्शन सही गया है ठीक है डी ऑप्शन सही गया भेड़ चाल तो किसी बच्चे ने बी गलती से कह दिया होगा सभी बी 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 के पीछे लगे अरे दिमाग नहीं लगाते तो मुझे एक बात बताओ भाई आज टॉप टेन नहीं देख पाएंगे ठीक है टॉप टेन के लिए अच्छा चलो देखते हैं यहां पे है टॉप टेन बच्चे ठीक है आइए तो टॉप टेन में ठीक है फाइव जीरो टू ठीक है फाइव जीरो टू अचीव किया है किसने सौरभ ने ठीक है सौरभ सौरभ ने ठीक है दूसरे पर पवन है फोर टू जीरो इन्होंने लिया है यहाँ पे मार्क्स फिर तीसरे पर पूजा सैनी है फोर ठीक है ये तीन बच्चे हैं जिन्होंने टॉप टेन बच्चों में टॉप वन टॉप टू टॉप थ्री यहाँ पर अपना क्या लिया है लीडर बोर्ड पर अपना नाम किया है आज जो है ठीक है डन रहेंगे उसके बाद में अभिषेक है हिमांशु है ठीक है वैष्णवी है साक्षी है अनु है और आदित्य राजपूत है संजय दुखी आदमी ये दस बच्चे हैं बाकी जो अगर हम आंसर करने की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ने आंसर किया है राज भी है साकेत भी है ठीक है आ, जो है मोटिवेशन खान सर फैन जो है वो क्या है ट्वेंटी सिक्स नंबर पर आए हैं ठीक है ट्वेंटी सिक्स अचीव क्या है एक सौ बीस नंबर पर आए हैं ठीक है फिट म्यूजिक है है ना इन सभी बच्चों ने यूपीएससी वाला ठीक है चलिए श्रेष्ठी इन सभी बच्चों ने भी यहाँ पर क्या किया है अपना नाम कमाया है ललित है राज ऑलराउंडर है विनय है ठीक है बहुत अच्छा सभी ने निकिता शर्मा आप 40 नंबर पे आओ हो दो आपने अटेम्प्ट किया है ठीक है चलिए तो सभी बच्चों का यहाँ पर बहुत अच्छा रहा ठीक है रिस्पॉन्स अब मैं आपको बताऊं इस देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो तुमने गलत किया है ना इसे कहते हैं कि रट्टा मारना आप मुझे ये बताओ ऑप्शन आप बी कर रहे हो बी कहां से आ सकता इसमें है इसमें कैल्शियम इतना तो ध्यान दो इसमें कैल्शियम आएगा क्वेश्चन में क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो इतना तो ध्यान दो कि मैग्नीशियम आने वाला है है ना या ये बता सकता हूं या ये आंसर बता सकता हूं ये दोनों तो हो ही नहीं सकते अगर एग्जाम में जाना है तो ऑप्शन से खेलना सीख जाओ आप क्वेश्चन में पढ़ो क्वेश्चन में मैग्नीशिया है मैग्नीशिया देखते ही समझ जाओ कि मैग्नीशियम आंसर आएगा मैग्नीशियम कैल्शियम और सोडियम तो हो ही नहीं सकता है ना चलो ये नहीं आंसर करे तुम ये भी कर देते तो भी ठीक था तो इस हिसाब से थोड़ा सा ऑप्शन से खेलना सीख जाओ डी ऑप्शन सही जाएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी आपके दूसरे सर की क्लास है आप ठीक है जो भी इसके बाद क्लास होगी आप देख लेंगे है ना तो सेशन एक बार जरूर बताएंगे कि ट्विंस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही थर्ड जेंडर पर ऐसे ही जो है टेस्ट ट्यूब वेबी पर जो भी फैक्ट्स है उस पर मैं वीडियोस लाती रहूं तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैम हम नेक्स्ट सेशन का वेट कर रहे हैं तो मैं कुछ सोचकर दूसरा सेशन आपके लिए लाऊंगी ठीक है बाकी मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ खुश रहिए अपना ध्यान रखिए गर्मी है पानी पीते रहिए हाइड्रेटेड रहिए बाय बाय बच्चा टेक केयर बेस्ट ऑफ लक